एंड क्राफ्ट बाय अनिशवी मिश्रा चैनल पर अपने एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैंने बनाई है मधुबनी पेंटिंग, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए पहले मैंने सिंपल मधुबनी फिश ड्रॉ करी है, उसके बाद मैंने किनारे की बाउंड्री बनाई है। किनारे की बाउंड्री बनाने के लिए मैंने लाइन पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, सर्कल पैटर्न और बहुत सारे पैटर्न का यूज़ करा है। उसके बाद मैंने इस पूरी ड्राइंग में ब्लैक मार्कर का यूज़ करा है उनकी आउटलाइन करने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे 4 कमल्स बनाए हैं, जिनमें मैंने 1 लीप्स रेड, फिर 2 लीप्स लाइन पैटर्न की बनाई है। मैंने रेड ऑरेंज की लीप्स बनाई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं और इस पूरी पेंटिंग में मैंने ब्राइट कलर यूज़ करा है जो मधुबनी पेंटिंग को उभरे। फिर यहाँ पे मैंने लीप्स और बहुत सारे फ्लावर्स बनाए हैं। लीप्स में मैंने लाइन पैटर्न का यूज़ करा है। फिर मैंने फिश के फेस पे येलो, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू का शेड दिया है। फिर मैंने उनके लिप्स पे रेड कलर का शेड दिया है। फिर मैंने यहाँ पे कमल बनाए जिसमें मैंने पिंक कलर, ब्लैक स्केच की आउटलाइन और फिर ब्लैक लाइन्स पैटर्न। फिर मैंने कमल फ्लावर के बैकग्राउंड में ग्रीन कलर यूज़ करा है। फिर यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ करा है, सर्कल पैटर्न्स का यूज़ करा है। फिर यहाँ पे मैंने एक और फ्लावर बनाया है जिसमें मैंने ग्रीन, पिंक, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, पिंक का यूज़ करा है। फिर गाइस मैंने इसके बैकग्राउंड को वाइट ही रहने दिया है कि इससे थोड़ा डिफरेंट दिखे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक ले बाय बाय।